हेलो दोस्तों, यहाँ पर देखिए गीजर का और हमारे पंप का, जो पानी का पंप है उसका और गीजर का वायरिंग कैसे करें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सॉकेट है, यहाँ पर दो सॉकेट है, एक 16 एम्पियर का है, एक 6 एम्पियर का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है 16 एम्पियर का है, यहाँ पर 16 एम्पियर लिखा हुआ है, और ये 6 एम्पियर है, यहाँ पर 6 एम्पियर लिखा हुआ है। तो इसकी जो कनेक्शन कैसे करेंगे, इसका स्विच जो है उधर बैठा हुआ है अंदर। तो चलिए सबसे पहले ये जो हमारा 1.5 का आया हुआ है 2 वायर, ये हमारा पंप का है, तो पंप का कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर एन लिखा हुआ है, यहाँ पर एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम ब्लैक वायर को कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा रहा ब्लैक वायर, ब्लैक वायर को हम यहाँ से इस तरह इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि पंप और गीजर, गीजर की वायर। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये न्यूटन में हमने कनेक्ट किया है, यहाँ पर एन लिखा हुआ है, न्यूटन में कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारा पंप का है 1.5 का, और ये रहा पंप का। अब इसे जो है वायर को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो 4 mm का है, ये गीजर का है, इसे हम गीजर वाले में 16 एम्पियर में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए वायर को जोड़ लेते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है पंप का कनेक्शन हो गया है 6 एम्पियर सॉकेट में, और 16 एम्पियर सॉकेट में अभी हम गीजर का वायर, देखिए यहाँ पर गीजर का न्यूटन और फेस दोनों वायर को छील लिए हैं, और यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर दिखा देते हैं, हमारे अंगूठे के पास देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 16 एम्पियर, और यहाँ पर हम देखिए 6 एम्पियर लिखा हुआ है। तो आप लोग इस जो है ये गीजर के लिए है, तो अभी इसमें कनेक्शन करेंगे न्यूटन में। देखिए यहाँ पर एन लिखा हुआ है न्यूटन, और यहाँ पर एन लिखा हुआ है, फेस कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो वायर है रेड वाला, ये गीजर का है, और न्यूटन ये गीजर का, एक गीजर का अर्थिन है, और पंप का कनेक्शन हो गया। तो आप लोग सॉकेट में इसी तरह कनेक्शन कर सकते हैं, और यहाँ पर इसे हम अभी इस तरह लगा देंगे, इसके अंदर पूरा वायर को अंदर करके इस तरह बॉक्स को अच्छे तरह से टाइट कर देंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को ऑल कर दें, ऐसे नए नए बोर्ड की वायरिंग देखने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।